आज की इस वीडियो में मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा और कुछ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा टोमेटो प्लांट के बारे में। तो ये है मेरे सामने टोमेटो का प्लांट, ये आप देख रहे हैं, और इसके लीव्स देखें अगर आप तो ये पिनेटरी लीव्स होते हैं इसके, और अल्टरनेटिव लीव्स हैं। ये टोमेटो का जो पौधा है वो एवरेज 4 से 5 फीट की हाइट तक जाता है, और इसके स्टेम को अगर देखें तो इसके स्टेम पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, और इसका स्टेम काफ़ी वुडी है और बहुत हार्ड स्टेम है। कमर्शियली जो इसका रिक्वायर्ड पार्ट होता है वो इसका फ्रूट होता है, जो कि टोमेटो है, ये आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है ऑन द स्टेम। टोमेटो प्लांट में जो ब्रांचेज हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं कि कितनी ज़्यादा एक ही प्लांट पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज लगी हुई हैं। और अगर आप इसके लीव्स को करेंगे सूंघेंगे तो इसके लीव्स बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अडर होती है जो आपको फील होगी। जब इन प्लांट्स में फ्रूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो हम इनको स्पोर्ट यानी कि ड्रिलिंग इनकी करते हैं, जैसा कि वो आप सामने देख रहे हैं, सामने जो टोमेटो लगे हुए हैं उनको स्पोर्ट दी गई है। टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलनम लाइकोपर्सिकम, और ये जो इसकी फैमिली है उसका नाम है सोलनेसी, जिसको नाइटशेड फैमिली भी कहते हैं। टोमेटो क्योंकि सोलोनेशियस फैमिली से बिलोंग करता है इसीलिए ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, क्योंकि सोलोनेशियस फैमिली से जितने भी प्लांट्स बिलोंग करते हैं वो सेल्फ पोलिनेटेड हैं। और ये हैं उसके फ्लावर्स टोमेटो के, जो कि येलो कलर के होते हैं, और इसके पेटल्स तकरीबन 5 इसमें पेटल्स होती हैं।